सभी भारतवासियों को नमो बुद्धाय सादर जय भीम करती हूँ। साथियों, मुंबई के दादर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के घर पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किया गया है, जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। साथ ही साथ महाराष्ट्र की सरकार से मैं मांग करती हूँ कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाए, जिससे ऐसे अराजक तत्वों का हिम्मत न हो हमारे महापुरुषों का अपमान करने का। साथियों, पूरे भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं जगह जगह तोड़ी जा रही हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, संविधान का अपमान किया जा रहा है, संविधान में कानून को समाप्त करने की साजिश हो रही है, आरक्षण को क्रीमी लेयर लगाकर समाप्त कर दिया गया, सारे सरकारी विभागों को बदलकर प्राइवेट विभाग कर दिया गया। साथियों, भारत के बहुजन मूल निवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, अत्याचार, शोषण, अन्याय हो रहा है। आखिर वो कौन लोग हैं? आखिर ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देखना नहीं चाहते, जो भारत के संविधान को देखना नहीं चाहते, जो संविधान में दिए गए कानून को देखना नहीं चाहते, जो अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति का आरक्षण नहीं देखना चाहते, जो भारत के बहुजन मूल निवासियों को देखना नहीं चाहते। साथियों, आप लोगों को विचार करना होगा, ऐसे पार्टी, ऐसे आरएसएस बीजेपी पार्टी को जो भारत के बहुजन मूल निवासियों के अधिकार को समाप्त करने की पूरी साजिश कर रहे हैं, और ऐसी पार्टियों को साथ देने वाले कौन लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा पर पार्टी बनाए, जो बाबा साहब की जय जय कर रहे हैं, वही लोग सरकार में शामिल होकर मंत्री बनकर आरएसएस की विचारधारा को चलाने का काम कर रहे हैं, बैक साइड से बीजेपी की मदद करके बिल को पास करवाने में लगे हैं, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने को जेल जाने से बचने के लिए जांच के डर से सरकार का साथ दे रहे हैं। अगर भारत के बहुजन का मूल निवासियों का अपमान हो रहा है, महापुरुषों का अपमान हो रहा है, संविधान का अपमान हो रहा है, कानून का अपमान हो रहा है, इसके जिम्मेदार अगर कोई हैं तो भारत के बहुजन मूल निवासी नेता लोग हैं, जिसके वजह से आज भारत में बहुजनों की गुलामी आ रही है। साथियों, अपने निजी स्वार्थ के लिए सांसद विधायक बनने के लिए, राज्यसभा सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, संपत्ति बचाने के लिए, अपने को बचने के लिए भारत के बहुजनों को गुलाम बनाना चाहते हैं? नहीं, भारत के बहुजनों को जागना होगा, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, अपने महापुरुषों ने जो राह रास्ता बनाया है उस पर चलने की जरूरत है। अगर आपने नहीं चला तो भारत का बहुजन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में साथियों, मैं पूरे भारतवासियों से अपील करती हूँ कि मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को चलाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए, भारत के बहुजन समाज के लोगों को बराबरी में लाने के लिए मैंने कांशीराम बहुजन समाज पार्टी बनाई है। मैं भारत के सभी बहुजन मूल निवासियों से अपील करती हूँ कि आप सभी लोग एकजुट हों और भारत में महा अलायंस हो, और बीजेपी जैसे पार्टी को हटाने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। भारत के संविधान और बहुजन की आज़ादी को दिलाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए बैठी हूँ, आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबको साधुवाद करती हूँ, आप सबको मंगल कामना करती हूँ। मैं सावित्री बाई फूले, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष
कांशीराम बहुजन समाज पार्टी आप सभी लोगों का स्वागत करती है। आइए आप सब लोग हम सब मिलकर भारत के बहुजन मूल निवासी एकजुट होकर भारत के महापुरुषों का के सम्मान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान में संविधान को बचाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के और उस रास्ते पर चलने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सावित्री बाई फूले, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम बहुजन समाज पार्टी, आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सबको सादर मंगल कामना, आप सबको साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमो बुद्धाय। सादर।